हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, आपके लिए मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें हमने एक पेपर से जो लिया गया था अप्लाइड मैथमेटिक्स के, जो अभी एग्जाम हुआ है आपका 7 तारीख को हुआ है, 7 दिसंबर को, उसमें क्या था, हमने लिया था आपको 2041 कोड भी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जो आपका पेपर होता है जोन वाइज आपका बटा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिया गया था, तो क्या था, वो कोड बी था और यह कोड सी। आपका बहुत सा कमेंट आ रहा है कि सर ये हमारा पेपर नहीं, हमारा पेपर बहुत टफ आया था। हाँ, आपका जो कोड भी था वो बहुत ही आसान था, ठीक है, वो पेपर्स बहुत आसान था, लेकिन हमने भी देखा बाद में, चूंकि वो स्टूडेंट सभी पेपर्स नहीं भेज पाए थे, बाद में यहाँ पर कोड सी कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर भेजा है, ठीक है। आप ही तरह, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह हमें यहाँ पेपर्स भेजा गया था, तो जिसमें कोड बी, कोड सी और कोड डी तक भेजा गया है, ठीक है। तो उसमें आपको जो कोड भेजे गए उस पेपर्स आप देख लीजिए, आपके पास ये पेपर्स होगा, तो पेपर टफ था, मानते हैं दोस्त, कुछ पेपर्स जो हैं वो टफ आए थे, लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर आप सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको आ नहीं रहोगे, सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। इतने टफ भी नहीं थे, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे ये कोड सी है, ठीक है, ये क्या है, ये 2041 का सी है, तो सी पर है, इसी तरह बी है और ए भी है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका कोड सी का साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू, तो दोस्त अगर हम यहां पर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको इसको नीचे कर देंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 45 आ जाएगी, कितना हो जाएगा आंसर, पाई बाई 4 हो जाएगा। इस टाइप्स के जो आपको एक नंबर, जैसे फंक्शन का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैंने सभी आपको अच्छे से समझाया था दोस्त, कि आपको उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से अगर पढ़ रहेंगे तो सभी क्वेश्चन, जैसे ये फंक्शन का क्वेश्चन आया, यहाँ पर आपको लंबवत है तो एम का मान क्या होता है, लंबवत का सब कुछ आपको हमने रूल बताया था, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है फार्मूला, ए अपान 1 माइनस आर, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग का क्या होता है, ए अपान 1 माइनस आर, ये भी फार्मूला आपको हमने बताया था। ये सब हम मानते हैं दोस्तों, आपने अच्छे से कर लिया होगा। यहाँ लिमिट्स के क्वेश्चन, अगर आपने दोस्तों अच्छे से 40+ क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है, तो आपको आसानी से बढ़िया नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर जिनको लगता है ये पेपर टफ थे, तो उनको अगर देखिए, जो क्वेश्चन थे आप देख लीजिए, यहां पर क्या थे, यहां पर आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने थे, इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसमें से करने थे। ऐसा नहीं दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन इसमें से नहीं, मान लीजिए आपको द्विपद प्रमेय नहीं समझ में आ रहा, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें प्रसार ही करना था, बहुत आपको कुछ नहीं करना था, चूंकि इसमें आपको प्रसार का फार्मूला पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या था, आपको y4 निकालना, मतलब आपको 4 बार क्या करना है दोस्तों, 4 बार आपको वहां पर dy/dx करना होगा, ठीक है, 4 बार आपको अवकलन करना है। इसमें क्या था, इसमें आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, और आपको हमने बताया था सब कुछ, मतलब जो सो यहां पर जो दिख रहा है, अगर आप सिंपली करे होंगे तो आपको अच्छा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये पेपर आपका है तो आप हमें कमेंट करके बताइए पेपर, चूंकि सुबह से बहुत से कमेंट आए कि सर हमारा ये पेपर नहीं है, हमारा दूसरा है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट जो है उन्होंने वे पेपर्स भेजा कि सर हमारा इस प्रकार पेपर है, तो हमने देखा, जैसे देख लीजिए ये सब पेपर्स है, ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जो 50 से क्वेश्चन प्रोवाइड कराया, तो उसमें इसी टाइप्स का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया था, ये क्वेश्चन आपको नहीं लिया गया था, तो मान लीजिए दोस्त आपको यहां पर 2 भाग करना, तो ये और ये पहला और लास्ट वाला अगर आ रहा है तो आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तब उसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप को आपको नहीं बताए गए थे मेरे वीडियो के द्वारा, तो आप इसमें से कितने 5 क्वेश्चन का आपको करना था, ठीक है, 5 क्वेश्चन करना था आपको, इसमें से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको इसमें कोण की भुजा निकालना था, सिंपली आपका निकालने थे। और दूसरा यहां पर क्या था, इसमें आपको हमने बहुत ही अच्छे से इसको बताया था, भुजा और कोण के बीच संबंध से cos a इक्वल टू क्या होता है, b² + c² - a² / 2bc, इस फार्मूले को यहां रखेंगे, यहां b है तो यहां पर आपका -b² करेंगे, यहां c है तो -c² करेंगे, सिंपली हल करेंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार ये समझाया था अपने प्रैक्टिस सेट में भी, और साथ में आपको उसमें क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया था दोस्त। ये क्वेश्चन जैसे देखिए dy/dx करना है दोस्त, देखिए dy/dx करने का मतलब क्या है, इसको आप डायरेक्टली करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, cos x को ये जो फार्मूला होता है cos 2x का, उधर आप लगा सकते हैं 1 - 2 sin² x / 2, यहां पर आप लगा सकते हैं 2 cos² x - 1, 1 दोनों कैंसिल होगा, 10² x / 2 आएगा, डिफ्रेंशिएट करें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी आपका आया है, ठीक है, इसमें साइन ले लिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका टफ था, मानते हैं अगर आप उससे अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन आप लास्ट तक, अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप बताइए, ये क्वेश्चन आपने अगर अटेम्प्ट किया और सही किया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने दोस्तों ने यहाँ पर अपना पूरा 50 में 50 करके आए हैं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आपने 45 भी सही किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर इतना किया तो आप हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन इस प्रकार लिए गए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर कॉस थीटा को पहले 2 cos² x / 2 - 1 करना है, 1 कैंसिल होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर
2 sin x / 2 इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत बार समझाया, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा। इसीलिए दोस्तों मैंने मैथमेटिक्स के लिए लगभग 80 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था। आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सेम डाटा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सभी इसी प्रकार के दिखेंगे। मैंने सब कुछ एक एक पॉइंट से आपको समझाया था, इसीलिए मैथमेटिक्स में पूरा जोर दिया था कि आप मैथमेटिक्स का ही नंबर बहुत अच्छा आपका आता है तब आपका बढ़िया परसेंटेज बनता है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पार्ट में हो सकता है कम हो, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आपने अच्छा किया है तो उसमें बिल्कुल नंबर एक नंबर आपका कटता नहीं है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये आपका क्या है दोस्तों 2041, ये आपका क्या है 2041 कोड है, कोड नंबर ये बी है, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया सी बताया, ये आपका बी है, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए ये मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराया था, ये कोड बी था, ठीक है। ये क्या था आपका कोड बी था। और इसमें देखिए आपको जैसे ये क्वेश्चन से दिख रहा है यहाँ पर आगे आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर जैसे दिया गया sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन क्या होता है दोस्तों 1 होता है सिंपली d2y/dx2 यहाँ पर निकालता है। बहुत ही आसान ये पेपर्स था, अदर पेपर से ये बहुत आसान ये आपका पेपर आया था, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोड बी के लिमिट्स के क्वेश्चन थे, सिंपली आपके लिमिट्स के थे, डिफ्रेंसिएशन आपको करना था, ध्रुवी रूप, सभी एक एक नंबर्स के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ बताया था। ये पेपर्स तो आपको पिछले ईयर्स का जो पेपर्स है उसके आधार पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिम्डा का मान आपको निकालना था, ठीक है। ये पेपर्स के बाद जैसे आपका हो जाता है आप जरूरी है आपका नेक्स्ट पेपर अप्लाइड फिजिक्स के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना है, जो पेपर्स जो हो गया आपको उसको छोड़ना है, ठीक है। जो हुआ है बस सही हुआ है आपको, उसमें अच्छा नंबर है। अब नेक्स्ट पेपर जो अप्लाइड फिजिक्स है उसको पूरा आपको ध्यान देना है, और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं जैसे आपको तरीका बताया मॉर्निंग में आपको हमने बता दिया था कि दोस्त पहले आपको क्या करना है, आपको पहले से पूरा लास्ट तक फर्स्ट से लास्ट चैप्टर तक थ्योरी पार्ट को पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद डेरिवेशन करना है, आंकिक प्रश्न को आपको जो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं उनको लगाना है, और फिर आपको अच्छे से पढ़ के और पेपर देना है, आप बेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये दोस्तों देख लीजिए ये क्वेश्चन इस ये रिलेटेड यही क्वेश्चन भी आपको हमने प्रोवाइड कराया था अपने 50 क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको बताया। ये देख लिए ये है दोस्त ये कोड नंबर कितना है, ये 1901B है, ठीक है। ये आपका अभी आपने क्या देखा 2400 देखा, ये है आपका 1901B। वही लिए आपका कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारा पेपर नहीं है, तो दोस्त ये पेपर सबका जोन वाइज अलग अलग होता है, वो कोड वाइज होता है, ठीक है। ये कितनी 6000 प्रतियां छपी है, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल जो यूपी का हुआ है इससे रिलेटेड कोड नंबर 1901 जो 1901B है ये टोटल कितने 6000 इसकी प्रतियां, टोटल 6000 यहां प्रश्न पत्र छपे हैं, ठीक है। और उसके वजह से आप देख रहे थे ये पेपर्स कितने छपे हैं, यहाँ देख लीजिए आप जैसे 35950 प्रतियां टोटल 2441 जो आपको दिख रहा है दोस्तों 2041B का इसका जो कोड नंबर है इसका 35950 टोटल प्रश्न पत्र यहाँ हुए हैं, ठीक है। जितना आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी के आधार पर जैसे प्रश्न पत्र आपके छपते हैं, तो ये पेपर्स आप देख लीजिए, अगर ये पेपर से आपका तो ये क्वेश्चन है। लास्ट में आपको जब ये पेपर सभी हो जाएंगे तो अगर आपको आंसर देखना होगा तो हम आपको बता देंगे कि कितना किसका आंसर आए। अभी आपको अपने अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल ईडी को पूरा ध्यान देना है, ठीक है। अब पेपर्स को बिल्कुल मतलब आपको आगे की तैयारी अपना रखना है, जो नंबर आएगा वो अच्छा आएगा अगर आपने वहां पर अच्छा किया है। देख लीजिए दोस्त यहां पर भी वही साइन थीटा कॉस थीटा ए बी के बीच आपको एंगल निकालना है, इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए यहां पर देखिए। ये देखिए दोस्त यहाँ फंक्शन मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए महत्तम मान आपसे पूछ लिया गया, इसमें सातवां मान पूछा है, ठीक है। ये देखिए वही क्वेश्चन ए बी सी है और कोण आपको इसमें सिंपली आपको क्या कॉस ए का फार्मूला लगाना था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, वही फार्मूला लगा डायरेक्टली आपका ये आंसर आ जाता। यहाँ पर इससे रिलेटेड सारणी में सभी क्वेश्चन इसी टाइप्स के आए, तो सारणी के 5 नंबर्स का आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप्स के सब बताए थे कि दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर ये ए बी आपको दिया है, इसमें ए क्रॉस बी, सिंपली आपको क्या करना होगा सारणिक फॉर्म में इसको लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है यहाँ पर ए का मान 3, 1, 2 लिखना है और यहाँ 2 माइनस 2, 5 लिखना है और ए क्रॉस बी का सिंपली आप सारणिक फॉर्म में करेंगे आंसर आ जाएगा। ये dy/dx इसमें आपको निकालना था, फर्स्ट सेकंड में आप करते आसानी से ये आंसर आ जाता। यहाँ पर आपको ये ध्रुवी रूप का दिया है, इसके आधार पर इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है 1/sin a, b/sin b, c ये भी आपको पूछ ले। ये देखिए जो क्वेश्चन आपसे ये कितने नंबर, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कितने ये देखिए, ये पिछले ईयर्स के ये क्वेश्चन है cos थीटा प्लस i cos sin थीटा, इसको ऊपर आपको ले जाना है, ठीक है। डिवाइवर थ्योरम का ये क्वेश्चन है, जैसे आपको होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर n होता है तो हो जाता है cos n थीटा प्लस माइनस sin n थीटा हो जाता है, तो सिंपली ये डिवाइवर थ्योरम का इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे रिलेटेड मैंने 80 वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया, उसमें बताया। इसीलिए आपके दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैथमेटिक्स का अपलोड किया,
जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो कि मैथमेटिक्स में ये ना कह सके कि आप हमारा मैथमेटिक्स में दिक्कत हुआ, ठीक है। इसीलिए मैंने 80 वीडियो आपको ऐसे नहीं, आपको 80 वीडियो में आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं इसमें हल कर सकते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको कॉट ए का फार्मूला आ रहा है, कॉट बी का रहा है, कॉट सी का रहा है, तो आप इसमें डायरेक्टली रखेंगे, आपका कैंसिल होकर जीरो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने जो बताया आपको, ये दिख लीजिए क्वेश्चन, ये आपका कोड नंबर 1901 का बी के, ये भी क्वेश्चन से थे, ये पिछले ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ले लिए। देखिए प्रथम, अभी कुछ कमेंट्स आ रहे थे सर हमारे किसमें, मान लीजिए किसी के कोड नंबर में नहीं आया प्रथम सिद्धांत, लेकिन मैक्सिमम में हमने देखा, जैसे यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का प्रथम सिद्धांत से यहां पर पूछा गया, अवकलन एक में पूछा गया ई के पावर एक्स का प्रथम सिद्धांत से बताइए, ठीक है। तो यहां पर ये जैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है, ये जोन वाइज बटने से यहां पर हुआ है दोस्त की कुछ में आए कुछ में, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहां पर इनवर्स फंक्शन से ये आपको मैक्सिमम में देखने को मिलेंगे। इसमें साइन से था और मैक्सिमम में टेन टेन था, ठीक है, तो वहां पर टेन इनवर्स से पूछ लिया गया था। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन आप देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपने मैथमेटिक्स के हो गया पेपर आपका जो हुआ अच्छा हुआ है या थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अब अपने नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी अप्लाइड फिजिक्स के अच्छे से करनी है, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट पेपर हैं अप्लाइड फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब पेपर्स आप अच्छे से देखिए। और आपको हम कहना चाहेंगे कि जो पेपर्स हैं हमने जो क्वेश्चन आपको बताया है आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले एक तरफ से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, पहले आपको फर्स्ट से लास्ट तक आपको जो मेन पॉइंट दिखते हैं मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको पता होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से तैयार करें। और मैंने क्वेश्चन तो दो आपको 40 प्लस क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराएं उसको आप देख सकते हैं एक बार, उसमें मैंने सभी क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। और मैंने आपको फिर से बताया कि क्वेश्चंस को एक बार पूरा लास्ट तक पढ़ें, उसके बाद आपको क्या करना है डेरिवेशन, जो जैसे कि आपको हमने बताया था कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध हो गया, कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण में संबंध हो गया, अब केंद्र बल का क्या फार्मूला होता है, ये सभी आपको यूनिट्स विमा ये सभी आना चाहिए। देखिए एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूछे जाएंगे, तो ये जरूरी है कि आपको अब नेक्स्ट पेपर्स को ध्यान देना है और अच्छे से आपको करना है। ये क्वेश्चंस इस पे कमेंट यही आ रहे थे कि सर हमारा पेपर नहीं है, तो दोस्त हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कोड अलग है इसलिए इसके आधार पे है, ठीक है। तो यही चीज था इसलिए हम आपको बताने के लिए वीडियो आपको बताए हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से तैयारी करना है, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।